हेलो फ्रेंड्स, राज दिल से मैं आपका स्वागत है और मैं आपको लेकर आया हूँ इंडिया हैबिटेट सेंटर, जहाँ चल रहा है हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एडिशन 3। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इटली से आई इटालियन भाषा में बनी जोनस कार्पिगिनेनो की डायरेक्टेड फिल्म, जिसका नाम है आकेरा। एक सिर्फ 2 घंटे की ये फिल्म, लेकिन एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। एक बहुत ही मैं आपको कहूँ कि मतलब ये भी एक फिल्म है जो थ्रिलर है, क्राइम से जुड़ी हुई फिल्म है। और 2 घंटे मतलब आपको ज़बरदस्त बांध के रखती है। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक फैमिली जिसके अंदर एक माता पिता और उनकी 3 बेटियां हैं, और कियारा जो है वो 2nd नंबर की बेटी है। और यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है इस फैमिली की सबसे बड़ी बेटी का, जिसका आज 18th बर्थडे है। बहुत ही मज़ेदार फिल्म की ओपनिंग है। करीबन 15-20 मिनट तक वो बर्थडे पार्टी के अंदर बहुत ही एंटरटेनिंग सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन अगले दिन स्टोरी एकदम से बदल जाती है जब कियारा के फादर गायब हो जाते हैं। कियारा ये सब कुछ रात को अपनी आंखों से देखती है कि किस तरह उसके फादर एकाएक चुपचाप रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। उसकी माँ उनकी हेल्प करती है, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। अगले दिन से कियारा अपनी माँ से कई बार पूछती हैं, तीनों बेटियाँ अपनी माँ से पूछती हैं कि पिता कहाँ है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। कियारा की एक खोज जारी रहती है और एक दिन उसके पास एक न्यूज़ आती है ऑन इंटरनेट पर, जिसमें उसके पिता का भेद खुलता है कि वो एक ड्रग माफिया थे और अब फरार हैं। कियारा को अपने पिता से बिल्कुल भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो अपनी माँ से क्रॉस चेक करती है, लेकिन उसकी माँ भी कुछ भी खुलकर नहीं बताती। अब कियारा इस खोज में लग जाती है कि उसके फादर कहाँ हैं। और इस 15 साल की कियारा की ये जो जर्नी है, बहुत ज़बरदस्त ढंग से डायरेक्ट की गई है, बहुत ज़बरदस्त ढंग से दिखाया गया है किस तरह वो अपने पिता के जानकार, अपने रिश्तेदार, इन सब के पीछे लग जाती है और आखिरकार एक दिन वो अपने पिता तक पहुंच ही जाती है। और अब उसे सच्चाई अपने पिता से सुननी है कि आखिर सच क्या है, जो सच उसकी माँ ने उसे बताया, जो सच न्यूज़ ने बताया जा रहा है, या फिर कुछ और ही है सच। लेकिन ये सब खोज में कियारा की पढ़ाई मिस होती है, कियारा का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है, कुछ लोगों से लड़ाई होती है, इस कारण उसे वहाँ की जो पुलिस है वो उसे जुवेनियल कस्टडी में देने का निर्णय लेती है। लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भी निकल जाती है अपने पिता की खोज में। तो आखिर क्या होता है, कहाँ पहुँचती है कियारा की ये जर्नी, क्या होता है उससे, उसका उसके पिता से मिलने के बाद क्या एक्सेप्ट कर पाती है वो अपने पिता की सच्चाई, और क्या है उसके पिता की आखिरकार सच्चाई, यही है इस बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म में देखने के लिए। तो मौका मिले तो देखिए कियारा। मैं डिटेल्स इसकी आपके साथ शेयर करूंगा, और बहुत मज़ेदार फिल्म है, आपको 2 घंटे तक बहुत ज़बरदस्त ढंग से बांध के रखती है फिल्म। बाकी आइए इंडिया हैबिटेट सेंटर, बस फेस्टिवल थोड़ा सा ही बचा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत इंटरनेशनल फिल्म है। बाकी राज दिल से की तरफ से जय हिंद।